मैजिकल मनी सिटी। एक दिन एक गांव में सब धनवान लोग इकट्ठा हुए थे। हीरा लाल नाम का एक बड़ा धनवान उठकर, हम सब धनवान के जाति के धनवान हैं। वही हमारा जाति है। हर जाति को और हर वर्ग को जैसे कॉलोनी रहते हैं, हमें भी ऐसा एक बड़ा कॉलोनी रहना चाहिए, कहा। तब और एक धनवान उठकर, असल में हम सब मिलकर एक बड़ा सा मनी सिटी का निर्माण करके सब लोग उधर ही जाएंगे। वो सिटी हमारे लेवल के हिसाब से रहना चाहिए। अगर हमारे सिटी में कदम रखना है तो आम लोगों को डरना चाहिए, कहा। तब और एक धनवान उठकर, उस शहर को मैजिकल मनी सिटी कहकर नाम रखेंगे, जहां भी देखने से केवल पैसे ही दिखना चाहिए, कहा। ऐसे कुछ ही महीनों में गांव से थोड़ा बाहर 2000 एकड़ में मैजिकल मनी सिटी का निर्माण हुआ। वो शहर में जहां भी देखा तो पैसों से निर्माण किया गया घर ही दिख रहे थे। उन घरों में कार्स और बाइक्स को भी पैसों से बनाए गए थे। छोटे बच्चे घूमने वाले साइकिल्स और मिनी कार्स भी पैसों से बनाए गए थे। बगल वाले गांव में वासु कहकर एक नौजवान कार्मिक वर्ग के लिए एक सहायता केंद्र चला रहा था। उस केंद्र में रहने वाले भास्कर और विनय भी वासु के साथ काम कर रहे थे। छोटे छोटे व्यापारी आकर उनके समस्या के बारे में कहते थे। मैजिकल मनी सिटी में महानता के बारे में दिखावट के लिए सब कुछ इंतजाम किए थे, लेकिन एक होटल या फिर एक किराना दुकान या फिर एक सब्जी का दुकान भी नहीं था। उसका कारण उस सिटी का प्रेसिडेंट हीरा लाल था। मीटिंग में हीरा लाल, छी, ऐसे सस्ते दुकान और सब्जी का मार्केट लगाएंगे तो हमारा मनी सिटी का सड़के खराब हो जाते हैं, और वो चलाने वाले सस्ते लोग किसी रात में आकर हमारे घरों को लूटेंगे तो कैसे। इसलिए एक बड़ा सा बर्गर शॉप और पिज्जा शॉप बच्चों के लिए, एक बड़ा डिज्नीलैंड के लेवल में केवल एक आइसक्रीम शॉप को लगाने के लिए आर्किटेक्ट से कहा था। अगर किराना और सब्जी खरीदना है तो सिटी के बाहर वो बेचने वाले जैसे भी बहुत रहते हैं। सुबह सुबह उठकर ऐसे वॉकिंग जाकर उनके मुंह पर पैसे फेंक कर जो चाहिए वो खरीदिए बस। और एक बात, हम सबकी तरह कार्ड्स नहीं उपयोग करेंगे। हमारा महानता के बारे में दिखाना है तो केवल पैसे देकर ही सब कुछ खरीदना है, कहकर रूल भी रखा है मैंने, कहा। तब और एक धनवान, और एक बात, बाहर से आने वाले स्विगी या जोमेटो वालों को तो बिल्कुल अंदर नहीं आने देना चाहिए, कहा। तब सब लोग खुश हुए। एक दिन हीरालाल कार में सिटी से बाहर जा रहा था। गेट के बाहर कुछ व्यापारी लोग उनके गाड़ियों को हटाने में थोड़ा वक्त लगा है कहकर वो कार से नीचे उतरकर उनको बहुत गालियां देते हुए सब्जी बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी को मारकर उसे धक्का दे दिया। वो बेचारा बूढ़ा आदमी नीचे गिर गया। तब उधर के सारे लोग, मनी सिटी के लोग डाउन डाउन कहकर उनका गाड़ियों को ढकेलते हुए चले गए। ये बात जानकर वासु गांव में व्यापारियों को उधर ले जाकर मनी सिटी के बाहर बिठाकर हड़ताल करने लगा। मनी सिटी के लोग डाउन डाउन कहकर नारे करते हुए स्ट्राइक करने लगे। दो दिन हुए, चार दिन हुए और ऐसा एक हफ्ता हुआ। मनी सिटी से कोई बाहर जाए बिना या फिर कोई अंदर जाए बिना वासु भास्कर विनय और बाकी के लोग रास्ते के बीच में उनको रोकने लगे। मनी सिटी में एक घर में एक बच्चा, माँ भूख लग रहा है, पूछा। तब उसकी माँ उसको पिज्जा और बर्गर देकर, खाओ बेटा, कहकर दिया। लेकिन वो बच्चा उनको फेंक कर, छी, हमेशा यही दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोटी और सब्जी पकाकर खिलाओ माँ, कहकर रोने लगा। हर घर में यही हालत था। एक घर में एक औरत, और एक दो दिन में ये भी नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति आ गया है। पिज्जा शॉप वाले और बर्गर शॉप वाले चीजें नहीं मिलकर बंद करने वाले हैं, कहकर सुना है, बोली। तब उस घर में रहने वाले भी घबरा गए। अगले दिन सब मर्द औरत और बच्चे मिलकर गेट के बाहर आए। औरतें तो गाड़ी पर बेचने वालों को अनुरोध करने लगे। एक औरत, बाबू थोड़ा सा आटा, चार प्याज और चार आलू और एक पैकेट का तेल दे दो बाबू, बच्चे भूख से रो रहे हैं, कहकर पूछी। दो छोटे बच्चे वासु के पास आकर, अंकल भूख भूख, कहकर रोने लगे। ये देखकर वासु भास्कर विनय और बाकी के लोगों का दिल पिघल गया। तब वासु, ठीक है, बच्चों को देखकर ये हड़ताल खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, हर रोज मनी सिटी का गेट्स खुला रखना चाहिए और गाड़ियों पर बेचने वालों को आपके सिटी में बेचने के लिए अनुमति देना चाहिए, कहा। तब सारे धनवान लोग, ठीक है, कहकर चिल्लाए। तब हीरा लाल, वो कैसे होगा, ये सस्ते लोग अगर अंदर आएंगे तो सिटी खराब हो जाएगा ना, कहा। तब एक औरत, अरे पहले इसको मुंह बंद करके उसको अच्छे से चार लगाओ, बोली।
तब सब औरतें और मर्द मिलकर हीरा लाल को पकड़कर खूब पीटे। उस दिन से व्यापारी उनके गाड़ियों पर उस मनी सिटी में जाकर व्यापार करते हुए खुशी से जीने लगे।